कि इसकी टेक्निक देखिए, काफ़ी अच्छी टेक्निक के साथ ये बच्चा जो है थ्रो कर रहा है। ये लीजिए, पहली बार आपको दिखाया था फ्रंट से व्यू। अभी यहाँ पर चल रहा है अब जो है बच्चों का जलपान। पुरस्कार वितरण समारोह कुछ इस प्रकार से है कि आयुष बिष्ट ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है ऊंची कूद में, और द्वितीय तथा तृतीय प्रतिभागी क्रमशः अन्य विद्यालयों से हैं। और इसके बाद ये मिस्टर ईश्वर खाती सूरज पब्लिक स्कूल जाली से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है हैंड राइटिंग में, यानी कि इंग्लिश हैंड राइटिंग सुलेख प्रतियोगिता में। आगे चलते हैं इसके जो है रेस में, ये है उमा जिनने तीन इवेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एक बार पुनः स्वागत है सभी मित्रों का ममता पटवाल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी से विनम्र अनुग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आज मैं आपको ले चलता हूं जाली संकुल में, जो संकुल स्तरीय खेलकूद हो रहे हैं वहां पर। तो आइए चलते हैं, फील्ड इवेंट की बात करें तो ये है चार दौड़, जिसका दूसरा चक्कर ये शुरू हो चुका है। और उमा रावत सूरज पब्लिक स्कूल से अपनी जो पोजीशन है वो बनाए हुए है नंबर एक पर, और दूसरे नंबर पर भी जो उमा है, दूसरे नंबर पर नव्या है, वो भी SPS की छात्रा है। तो ये तीनों में बड़ा कड़ा कंपटीशन था। तो इनमें क्रमशः उमा प्रथम, इससे पहले आपने 200 मीटर की रेस देखी थी प्रतिभागी बालिकाओं की, अन्य विद्यालय जिसमें जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, नव्या क्रमशः फर्स्ट और सेकंड प्रकार से है इसी स्कूल के, चूंकि स्थिति देख रहे हैं जूनियर की। और ये बच्चे सीधे जाएंगे टेबल 200 मीटर की रेस जोखा का कार्यक्रम चलना है, जिसको आप कहते हैं अभिलेख का कार्यक्रम। अब अगला जो ग्रुप है वो तैयार है, तो आइए इनकी भी रेस देखते हैं। अब आप देखने वाले हैं जूनियर की 200 मीटर स्प्रिंट रेस, जिसमें कि तीन प्रतिभागी हैं और रेस स्टार्ट होने वाली है। तो ये देखिए, इसमें हर्षित जो ये वाला कैंडिडेट है, ये जो है और ये रेस चालू हो चुकी है। ये रेस चल रही है 300 मीटर की। हर्षित अंदर अंदर तेज कर, ये फिनिश है, फिनिश 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 है, फिनिश 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 मार मार। योगिता उसके पीछे मत लगा, अपना साइड से निकल। फिर बाहर ही भागे जी, पोल नहीं पकड़ना, पोल नहीं पकड़ना, नहीं अंदर अंदर काट, अंदर अंदर निकाल, चल सही है भाग, तेज।
ये हो रही है प्राथमिक बालक वर्ग में 50 मीटर की दौड़, जिसको फर्राटा दौड़ भी कहा जाता है। तो लीजिए आपके समक्ष है छोटे बच्चों के प्राथमिक यानी के 8-9 साल के बच्चों तक की ये रेस, ताबड़तोड़ रेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। और लीजिए रेस बिल्कुल शुरू होने वाली है, ट्रैक से टीचर्स हट गए हैं और विसिल बजी और बच्चों ने लगा दी अपनी ताबड़तोड़ दौड़। ये देखिए इसमें जो रेड टी शर्ट पहने हुए है क्लास 4th का बच्चा नवल SPS से प्रतिभाग कर रहा है। देखते हैं इसकी पोजीशन क्या रहती है। ये लीजिए सेकंड पोजीशन प्राप्त करता है SPS से रेड टी शर्ट में नवल। और अब आती है बालिकाओं की 50 मीटर। ये देखिए वाइट शर्ट पहने हुए इसमें जो लड़की आ रही है ये है कुमारी दिया, क्लास 4th से SPS से ये सेकंड पोजीशन प्राप्त करते हुए। अब जो कार्यक्रम आपके सामने हो रहा है वह है लंबी कूद। यह है जूनियर वर्ग बालकों की लंबी कूद, जिनका नपाई भी साथ में हो रही है कि कौन बच्चा कितना मीटर कूदा। तो ये देखिए प्रत्येक बच्चे का जो है टर्न आता है, ये लीजिए अगला बच्चा ये कूदता है। तो इसी क्रम में SPS से मंजीत, यहाँ पे ये देखिए मंजीत जो है ये कूदा है SPS का बच्चा। प्रत्येक बच्चे को कूदने के लिए 3-3 राउंड मिलते हैं। 3 राउंड में जो बच्चा किसी भी एक अटेम्प्ट में सबसे हाईएस्ट कूदता है तो वही काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है बालक ये लीजिए ये कूदता है, तो काफ़ी अच्छा कूद रहे हैं बच्चे। तो अब बालिकाओं की भी साथ में शुरू हो गई है जूनियर। ये देखिए ये अनीता है जो कि लड़कों से भी ज़्यादा कूदी है, हाईएस्ट भी देख रहे हैं इसका। प्राथमिक वर्ग में लड़कों की लंबी कूद, इससे पहले जो कूदा था वो था कुणाल SPS से। यह है प्राइमरी के बच्चे यानी कि 1 से 5 तक। ये देखिए कुणाल फिर से आ रहे हैं, काफ़ी लंबी कूद यानी कि जूनियर के बच्चों के बराबर लगभग ये कूदा है। तो इसका जो ये जो दो बच्चे थे ये फाइनलिस्ट वाले बच्चे थे, बाकी बच्चे जो है वो साइड कर दिए गए हैं, जिनकी कूद उतनी बेहतर नहीं थी उनको किनारे कर दिया गया है। तो कुणाल यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करता है। अब आप देखेंगे प्राथमिक बालिका वर्ग की लंबी कूद। प्राथमिक बालिका वर्ग में जिसमें SPS से दिया, ये देखिए छोटी सी लड़की। बात करें अगर चक्का फेंक की तो ये देखिए चक्का फेंक का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। काफी अच्छा चक्का बच्चे फेंक रहे हैं और साथ साथ ये देखिए अगले बच्चे का टर्न आ गया। ये लीजिए इसकी टेक्निक देखिए, काफी अच्छी टेक्निक के साथ ये बच्चा जो है थ्रो कर रहा है। ये लीजिए पहली बार आपको दिखाया था फ्रंट से व्यू और अब दिखाया। ये मिस्टर गौरव, ये अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों का जो है अभी यहाँ पर चल रहा है जो है बच्चों का जल्पान। एक प्रकार से कहे लंच, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चों को जलपान कराया जा रहा है जिसमें सभी बच्चों को समोसे वितरित किए जा रहे हैं। तो बच्चे अपना जो भी सामग्री घर से लाए हैं उसको तो खा ही खा रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर समोसे भी वितरित किए जा रहे हैं। तो जब तक का बच्चे समोसे खाते हैं तब तक का सभी टीचर जो है रेस्ट में है। यहाँ हो रहा है मैपिंग का, तो मानचित्र की प्रतियोगिता यहाँ चल रही है। और ये आप देख रहे हैं अभिलेख, यानी कि बच्चों के जो भी डेटा है उनको यहाँ पर लिखा जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से। पुनः बाहर चलें तो बाहर ये देखिए बच्चों ने लगभग समोसे फिनिश कर ही लिए। इसके बाद के जो कार्यक्रम है वो है कल को अगले जो वीडियो में सम्मिलित होने वाले हैं वो है कबड्डी खो खो। तो रोमांच से भरा रहेगा अगला वीडियो कबड्डी, यानी कि बहुत ही मज़ेदार। कबड्डी का नाम सुनते ही जहन में जो है एक प्यार जैसा निकल के आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।